हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जोधपुर में एएसआई पर चढ़ाई बोलेरो, एक पैर फ्रैक्चर, गाड़ी नहीं रोकने पर आगे आया एएसआई, चालक फरार। जोधपुर के जलजोग चौराहा पर गुरुवार को एक बोलेरो चालक ने ड्यूटी कर रहे एक एएसआई पर गाड़ी चढ़ा दी। गनीमत रही कि उनकी जान बच गई। एक पैर में फ्रैक्चर हुआ है, उनका मथुरा दास माथुर अस्पताल में उपचार चल रहा है। हादसे के बाद आरोपी चालक फरार हो गया। एसीपी ट्रैफिक चैन सिंह महेचा ने बताया कि जोधपुर कमिश्नरेट में यातायात पुलिस की तरफ से इन दिनों नाकाबंदी और संदिग्ध वाहनों की सघन तलाशी ली जा रही है। आज सुबह एएसआई ओमाराम व अन्य पुलिसकर्मी जलजोग चौराहा पर ड्यूटी कर रहे थे, तभी एक बोलेरो 12वीं रोड से जलजोग चौराहा की तरफ आती दिखी। तब एक महिला कांस्टेबल ने उसे रोकने का इशारा किया। इशारा करने के बाद भी चालक नहीं रुका तो एएसआई ओमाराम ने गाड़ी के सामने पहुंचकर चालक को हाथ से गाड़ी रोकने का इशारा किया। चालक ने गाड़ी की रफ्तार धीमी कर दी लेकिन गाड़ी नहीं रोकी। ऐसे में चालक ने जानबूझकर एएसआई के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। एएसआई बचने के लिए गाड़ी के बोनेट पर चढ़ गया और उसके वाइपर को पकड़ लिया। इतने में चालक ने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी जिससे एएसआई नीचे गिर पड़े और घायल हो गए। इस पर भी चालक ने गाड़ी को नहीं रोका और भाग निकला। एएसआई को तुरंत एमडीएम अस्पताल ले जाया गया जहां पैर व हाथ की उंगली जख्मी होने पर उपचार शुरू किया गया। एसीपी ने बताया कि बोलेरो चालक भाग गया जिसकी सीसीटीवी कैमरों की मदद से अब तलाश की जा रही है। इस बारे में शास्त्री नगर थाने में केस दर्ज किया गया है। जलजोग चौराहे पे एएसआई ओमाराम जी ट्रैफिक से अपनी ड्यूटी कर रहे थे। निर्धारित पॉइंट पे व्हीकल चेकिंग के दौरान ही जो व्हीकल आया जिसने लापरवाही से इनके ऊपर चढ़ाया, इससे इनके चोट लगी है, जो एमडीएम इमरजेंसी में इनका इलाज चल रहा है। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शिमर की रिपोर्ट।